गरियाबंद के रोहिना गोरा में स्कूल में शरण लिए 5 बार पीड़ित परिवारों ने 10 दिन में क्षतिपूर्ति नहीं करने पर सिंचाई विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने घर में जिस नहर नाली के वजह से पानी घुसा है उसका निर्माण आगे तक करने और आर्थिक क्षति की भरपाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे अधिकारी बारिश खत्म होने के बाद नहर निर्माण करने और क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व विभाग से संपर्क करने की बात कर रहे हैं। मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि क्षेत्र का कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अब तक इन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि एक कमरे में रह रहे इन 22 लोगों के घर का पूरा सामान खराब हो गया। पंचायत इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है लेकिन 4 लोगों की तबीयत बेहद खराब बताई जाती है। इसलिए उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो अगर वर्षा हो जाएगा तो कल भी वर्षा होगा तो कहीं हम लोग कहाँ रहेंगे? तो पंचायत में कहीं भी रहना पड़ेगा ना, उसको घर से छोड़ना पड़ेगा। अभी भी कुछ खाना वाना नहीं बना रहे हैं, पंचायत दे रहा है। कितने दिन से खाना नहीं बना? 3 दिन हो गया। नहीं, वो शिक्षा विभाग वाली दिए थे 300 रुपया। हाँ, 300 रुपया देने के बाद नीचे 2 ठीक लेबर लेके मैं उसको बांधा था, लेकिन वो तोड़ने के बाद नीचे टोटल हमारा घर में नीचे समस्या हो गया, पूरा नीचे पानी घुस गया।